ओम शांति। 1 जून 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं आज के मधुर मुरली का सार। मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम सब आपस में रूहानी भाई भाई हो, तुम्हारा रूहानी प्यार होना चाहिए। आत्मा का प्यार आत्मा से हो, जिस्म से नहीं। प्रश्न, बाप ने अपने घर की वंडरफुल बात कौन सी सुनाई है? उत्तर, जो भी आत्माएं मेरे घर में आती हैं, वह अपने अपने सेक्शन में अपने नंबर पर फिक्स होती हैं। वह कभी भी हिलती डुलती नहीं। वहां पर सभी धर्म की आत्माएं मेरे नजदीक रहती हैं। वहां से नंबरवार अपने अपने समय पर पाठ बचाने आती हैं। यह वंडरफुल नॉलेज इसी समय कल्प में एक बार ही तुम्हें मिलती है, दूसरा कोई यह नॉलेज नहीं दे सकता। अब इतना सब जो हम समझ पाए ना बाबा से ज्ञान लेकर के, ये विश्व की सर्वात्माएं थोड़ी ना समझेंगी। भल वो धर्म की बाबा के पास रहती हैं आत्माएं, परम धाम से ही आएंगी नीचे पिछाड़ी में। जिस तरह से जब जिस भी धर्म की स्थापना होगी तो वो सेक्शन से उतरकर पाठ बचाने आएंगे, लेकिन यह उनको नहीं पता होता, सिर्फ तुम बच्चों को पता होता है। बाबा कहते दूसरा को यह नॉलेज दे नहीं सकता। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे जानते हैं। हम आत्माओं को बाप समझाते हैं और बाप अपने को आत्माओं का बाप समझते हैं। ऐसे कोई समझते नहीं और ना कोई कभी समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। ये बाप ही आत्माओं को बैठ समझाते हैं। इस ज्ञान की प्रारब्ध तुम नई दुनिया में लेने वाले हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यह भी कोई सभी को याद नहीं रहता कि यह दुनिया बदलने वाली, बदलाने वाला बाप है। यहाँ तो सम्मुख बैठे हैं। जब घर में जाते हैं तो सारा दिन अपने धंधे आदि में ही लग जाते हैं। बाप की श्रीमत है, बच्चे कहाँ भी रहते तुम मुझे याद करो। जैसे कन्या होती है तो वह जानती नहीं है कि हमको कौन पति मिलेगा, चित्र देखती है तो उनकी याद ठहर जाती है। जब एक कन्या का विवाह फिक्स होता है, सगाई हो जाती है, या सगाई भी नहीं होती है तो एक चित्र मिल जाता है ना, फोटो, तो वो फोटो में उसका मन चला जाता है ना, बुद्धि फिर उसको याद करने लग जाती है मन बुद्धि से चित्र के द्वारा, है ना। तो उसे थोड़े पता रहता है कि कौन सा पति मिलेगा। तो बाबा कहती है फिर चित्र देखती तो याद ठहर जाती है, कहाँ भी रहते एक दो को दोनों याद करते हैं। इसको कहा जाता है जिस्मानी प्यार, यह है रूहानी प्यार। देखो बाबा का चित्र तो है नहीं, विचित्र है। हम आत्मा का चित्र तो है नहीं, विचित्र है, लेकिन परमात्मा ने हम बच्चों के लिए चित्र बनवाए हैं। क्यों बनवाए हैं श्रीमत से? क्योंकि बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम द्वापर से इस देह रूपी चित्र को देख करके ही, बातों को सुनकर, चित्रों को देखकर, किसी चीज को टच करके महसूस करते हो। यहाँ हम सब चीजों को महसूस करते हैं, देखते हैं स्थूल नेत्रों से, सुनते हैं कानों से ना, कर्मेंद्रियां हमारी इधर वर्क करती हैं ना। तो बाबा कहते हैं अभी देह के भान में तुम द्वापर से आए हो, तो इस देह का ही तुमको सब पता रहता है। इसीलिए किसी भी चित्र को देखोगे तो जल्दी समझोगे। तो जब चित्र को देखते 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 जब बाबा समझ आ जाए कि वो विचित्र को सिर्फ हमें मन और बुद्धि से याद करना है, इस मन में उसकी आत्मा, बाबा कहते आत्मा और परमात्मा का मिलन का मेला है, तो बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि मैं विचित्र और तुम विचित्र आत्मा, मुझ विचित्र बाप को याद करते हो, क्योंकि मैं ही शांति का सागर, सुख का सागर, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता हूँ, तो तुम याद करते 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 मैं आ ही जाता हूँ। तो बाबा कहते हैं
यहाँ मेरा तो कोई चित्र है नहीं, लेकिन तुम बच्चों के लिए मैंने फिर चित्र बनवाए हैं, जब तुम्हें समझ आ जाए तो फिर उन चित्रों की दरकार ही नहीं है ना। बाबा कहते हैं ना, कोई आसन आदि लगाने की आवश्यकता नहीं, लाल लाइट की आवश्यकता नहीं। तो कहाँ भी रहते, बाबा कहते इसको कहा जाता है जिस्मानी प्यार, जिसमें बाबा कहते चित्र देख करके कन्या याद करती, और बाबा के साथ हमारा है रूहानी प्यार। तो रूहानी प्यार किसके साथ, बच्चों का, रूहानी बाप के साथ, और बच्चों का, बच्चों का बच्चों के साथ। बाबा कहते हैं बच्चों का रूहानी बाप के साथ प्यार ना, और फिर बच्चों का बच्चों के साथ, लेकिन ब्रदर आत्मिक स्नेह। तो तुम बच्चों का आपस में भी बहुत प्यार होना चाहिए, यानी आत्माओं का, आत्माओं के साथ भी प्यार चाहिए। यह शिक्षा भी अभी तुम बच्चों को मिलती है, दुनिया के मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं। तुम सब भाई भाई हो तो आपस में जरूर प्यार होना चाहिए, क्योंकि एक बाप के बच्चे हो ना, इसको कहा जाता है रूहानी प्यार। ड्रामा प्लान अनुसार सिर्फ पुरुषोत्तम संगम पर ही रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को सम्मुख समझाते हैं, और बच्चे जानते हैं कि बाप यहाँ आए हुए हैं हम बच्चों को गुलगुल पवित्र पतित से पावन बनाकर साथ ले जाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई हाथ से पकड़ कर ले जाते हैं, सभी आत्माएं ऐसे उड़ेंगी जैसे टिड्डियों का झुंड जाता है। उनका भी कोई गाइड होता है, गाइड के साथ और भी गाइड्स होते हैं जो फ्रंट में रहते हैं। सारा झुंड जब इकट्ठा जाता है तो बहुत आवाज होती है, सूर्य की रोशनी को भी ढक देते हैं, ढक देते हैं ना, तो इतना बड़ा झुंड होता है। तुम आत्माओं का तो कितना बड़ा अनगिनत झुंड है। अब इतने सारे मनुष्य आत्माओं ने इस तन को पहना है, इस इतनी बड़ी दुनिया में करोड़ों है ना, करोड़ों है कि नहीं, तो करोड़ों आत्माओं ने तन पहना है। तो बाबा कहते देखो कितना बड़ा झुंड है अनगिनत, कभी गिनती नहीं कर सकते, यह मनुष्यों की गिनती नहीं कर सकते। भल आदम आदम शुमारी निकालते हैं, वह भी एक्यूरेट नहीं निकालते हैं। आत्माएं कितनी हैं वह हिसाब कभी निकाल नहीं सकते। तारे तो अनेक है ना, तारे अनगिनत हैं। हम बाबा के बच्चे कौन है, सितारे हैं ना, तो सितारे जो बाबा के, फिर माँ तेले, सौ तेले है ना, कौरव पांडव, कितने सारे बाबा के फिर बच्चे हैं, यादव कौरव है ना पांडव। तो इस तरह बाबा कहते हैं एक्यूरेट हिसाब आत्माओं का कोई निकाल नहीं सकते। अंदाज लगाया जाता है कि सतयुग में कितने मनुष्य होंगे, क्योंकि सिर्फ भारत ही रह जाता है, बाकी बाय प्लॉट सब फिनिश। तो तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। आत्मा जब शरीर में है तो जीव आत्मा है, तो दोनों इकट्ठे सुख अथवा दुख भोगते हैं। ऐसे बहुत लोग समझते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, वह कभी दुख नहीं भोगती, निर्लेप है। बहुत बच्चे इस बात में भी मूंझते हैं कि हम अपने को आत्मनिश्चय तो करें, लेकिन बाप को कहाँ याद करें, मुझते हैं ना। तो यह तो जानते हो बाप परम धाम निवासी है। अब एक बात पहले भी सुनाई, आज भी मैं रिपीट करूंगी। एक बार बाबा के सम्मुख एक बच्ची बैठ के बार बार कह रही थी, बाबा मुझे आपकी याद नहीं आती, माना योग नहीं लगता, बाबा मेरा आपके साथ में योग नहीं लगता। घंटे से लगी हुई थी, तो बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा बच्ची योग नहीं लगता? तो कहा, हाँ बाबा योग नहीं लगता। तो बाबा ने कहा कि जो बार बार बाबा बाबा कह रही हो ये क्या है? अब योग क्या, आत्मा जाकर चली जाए उधर परम धाम में, जाकर बैठ जाए और परम पिता परमात्मा के पास जाकर मिल जाए, तब कहोगी योग है। तब तक तो तुम लौट कर आओगी, तुम्हारे शरीर को तो विनाशी शरीर को तो विनाश, मिट्टी में मिला दिया जाएगा, पंच तत्व में विलीन कर दिया जाएगा। तो बाबा कहते हैं मुस्कुराकर कि बच्ची जो तुम
मन से मुझ बाप को याद करते हो ना, वही तो याद है, है ना। तो आत्मा तो जब शरीर छोड़ देगी तो फिर याद कैसे रहेगी, आधार है ना, देह तो आधार है, ये देह है, तभी तक हम बाबा से मन बुद्धि के विमान में बैठकर मिलन मना सकते हैं। अब यहाँ ही संगम युग में ही हम पांच स्वरूपों का, 84 का चक्र, सतयुग का साक्षात्कार, त्रेता का साक्षात्कार, बाकी हम ये इस समय का तो हम अपने स्थूल नेत्रों से देखते हैं, है ना। तो इस समय का तो बाबा ने कुछ ऐसा कहा नहीं, लेकिन बाकी तो हम जो भी चक्र फिर आते हैं वो अपने इस दिव्य दृष्टि से ही फिर आते हैं ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह बहुत बच्चे मोजते हैं कि याद कहाँ करें, यह तो जानते हो बाप परम धाम निवासी है, बाप ने अपना परिचय दिया हुआ है, कहाँ भी चलते फिरते बाप को याद करो, जैसे आप अपने किसी प्रेमी को याद करते हो, तो बाप रहते हैं परम धाम में, तुम्हारी आत्मा भी वहां रहने वाली है। फिर यहाँ पाठ बजाने आती है, यह भी ज्ञान अभी मिला है। जब तुम देवता हो वहां तुमको याद नहीं रहता है कि फलाने फलाने धर्म की आत्माएं ऊपर में है, ऊपर से आकर यहाँ शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं। यह सब कुछ भी ज्ञान बाबा कहते तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं, सिर्फ वहाँ यहाँ की पढ़ाई का प्रारब्ध प्राप्ति होगी। तो यह चिंतन वहाँ नहीं चलता। बाबा कहते यदि यह सब ज्ञान उधर जाए तो फिर तुम सुख की भासना नहीं आएगी ना, क्योंकि तुम्हें कहीं ना कहीं दुख का भी रहेगा कि दुख भी हमें मिलेगा, तो फिर सुख कैसे कैच कर पाओगे, कैसे सुखी रहोगे, क्योंकि चिंता हो जाएगी फिर। इसीलिए यह सब ज्ञान नहीं चाहता साथ में। दूसरा, बाबा है ही ज्ञान सागर, तो ज्ञान किसी और के पास भला कैसे जा सकता है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह यह चिंतन वहां नहीं रहता है। आगे यह पता नहीं था कि बाप भी परम धाम में रहते हैं, वहां से यहाँ आकर शरीर में प्रवेश करते हैं। अब वह किस शरीर में प्रवेश करते हैं, वह अपनी एड्रेस तो बताते हैं, तुम अगर लिखो कि श्री बाबा केयर ऑफ परम धाम, तो परम धाम में तो चिट्ठी जा नहीं सकती, इसलिए लिखते ही हो श्री बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, फिर यहाँ की एड्रेस डालते हो, क्योंकि तुम जानते हो बाप यहाँ ही आते हैं, इस रथ में प्रवेश करते हैं। यूं तो आत्माएं भी ऊपर रहने वाली है, तुम भाई भाई हो, सदैव यही समझो, यह आत्मा है, इनका फलाना नाम है। आत्मा को यहाँ देखते हैं परंतु मनुष्य देह अभिमान में आ जाते हैं, बाप देही अभिमानी बनाते हैं। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो और फिर मुझे याद करो। इस समय बाप समझाते हैं, जब मैं यहाँ आया हूँ, आकर बच्चों को ज्ञान भी देता हूँ, पुराने ऑर्गेंस लिए हैं, जिसमें मुख्य यह मुख है, आंखें भी हैं, ज्ञान अमृत मुख से मिलता है, गौमुख कहते हैं ना, अर्थात माता का यह मुख है, ब्रह्मा, है ना, श्री बाबा के द्वारा एडॉप्ट की हुई स्त्री। लेकिन फिर भी बाबा ने कहा कि फीमेल को केयर करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए एक स्त्री की आवश्यकता थी, तो फिर सरस्वती मम्मा को, मम्मा है ना, उतने कम एज में देखो कितने बुजुर्ग बुजुर्ग उनको मम्मा बुलाते थे। क्यों बुलाते थे? क्योंकि बाबा ने उनको क्या रखा था, बच्चों के माँ बना करके, निमित्त बना करके, क्योंकि ब्रह्मा फीमेल था, लेकिन ब्रह्मा असल में माँ है, है ना, जिसने, जिसको श्री बाबा ने अडॉप्ट किया है, उसके द्वारा फिर ज्ञान दे करके। बाबा कहते हैं ना, श्री बाबा ने तुम बच्चों को अडॉप्ट किया है ब्रह्मा के द्वारा, है ना, तो इसीलिए ब्रह्मा मुख वंशावली कहते हैं। अच्छा, तो बाबा कहते हैं गौमुख कहते हैं ना, अर्थात माता का यह मुख है, बड़ी माता द्वारा तुमको एडॉप्ट करते हैं। कौन? श्री बाबा, वह यहाँ है ना, यह ज्ञान सारा बुद्धि में रहना चाहिए। मैं तुमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करता हूँ, तो यह माता भी होगी, गाया भी जाता है तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो वह सब आत्माओं का बाप है, उनको माता नहीं कहेंगे,
उनको बाप कहेंगे, तो वह तो बाप ही है, बाप से वर्षा मिलता है, फिर माता चाहिए। फिर देखो दादा कहा तो बाप का वर्षा, दादे का वर्षा बाप के द्वारा मिलता है ना, तो वो ग्रैंड 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 फादर कह दिया। तो देखो कितना सारा गुहाराज बाबा बताते हैं, है ना, परिवार में होते ही हैं कौन, दादी दादा माता पिता और बच्चे, बस। फिर तो ये काका चाचा मामा जो बहुत सारे नलिहाल में इस तरफ उस तरफ, फिर तो उस भाई ना जाने कितने रिश्ते, तो उन रिश्तों से थोड़े ना आपको जो बाबा कहते हैं, जो शास्त्र लिखे हुए हैं, वो गीता के वर्शंस लिखे हुए हैं, तो ये सब तो काका चाचा मामा है ना, इनसे वर्षा कैसे मिलेगा। वर्षा तो गीता ज्ञान से ही मिलेगा और बाप के द्वारा ही वर्षा मिलेगा। तो बाबा कहते हैं इसीलिए बाप से वर्षा मिलता है, फिर माता चाहिए, है ना। तो आत्माओं का बाप मैं हूँ, उनको माता नहीं कहेंगे, बाप ही कहेंगे। तो बाप से वर्षा मिलता है, वह यहाँ आते हैं, अभी तुमको मालूम पड़ा है। बाप ऊपर में रहते हैं, हम आत्माएं भी ऊपर रहती हैं, फिर यहाँ पाठ बजाने आती हैं। दुनिया को इन बातों का कुछ भी पता नहीं है, वह तो ठिकर बितर में कचमच में परमात्मा को कह देते हैं, फिर तो अनगिनत हो जाए। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, गायन भी है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। इस समय तुमको ज्ञान है, यह है रावण राज्य, जिस कारण अंधियारा है, वहां तो रावण राज्य होता नहीं, इसलिए कोई विकार नहीं, देह अभिमान भी नहीं, वहां आत्माभिमानी रहते हैं। आत्मा को ज्ञान है, अब छोटा बच्चा है, अब वह जवान बने हैं, अब वृद्ध शरीर हुआ है, इसलिए अब यह शरीर छोड़ दूसरा लेना है, यह ज्ञान वहां रहेगा। वहां ऐसे नहीं कहेंगे, कहते कि फलाना मर गया, ये कहते हैं कि दूसरा शरीर लेंगे बच्चे का नया, है ना। तो इस तरह बाबा कहते तीन स्टेज से जब गुजरते हैं तो फिर दूसरा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते, तो वहां ऐसे नहीं कहते कि फलाना मर गया, क्योंकि स्वर्ग है ना, यहाँ कहते हैं नरक में कि स्वर्ग गया, तो स्वर्ग तो जाता नहीं है, तो वो तो स्वर्ग का स्वर्ग नहीं आते हैं, नरक का नरक नहीं आएंगे। तो बाबा कहते वह तो है ही अमर लोक, खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, अभी आयु पूरी हुई है, यह छोड़ नया लेना है, इसलिए सन्यासी लोग सर्प का मिसाल देते। मिसाल वास्तव में बाप का दिया हुआ है, वह फिर सन्यासी लोग उठाते हैं, तब बाप कहते हैं यह तो ज्ञान मैं तुमको देता हूँ। यह प्रायः लोप हो जाता है, बाप के अक्षर भी हैं तो चित्र भी हैं, परंतु जैसे आटे में नमक। तो बाप बैठ अर्थ समझाते हैं, जैसे सर्प पुराने खाल छोड़ देता है और नई खाल आ जाती है, उनके लिए ऐसे नहीं कहेंगे एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करते हैं, नहीं, खाल बदलने का एक सर्प का ही मिसाल है, वह खाल उनकी देखने में भी आती है, जैसे कपड़ा उतारा जाता है वैसे सर्प भी खाल छोड़ देता है, दूसरी मिल जाती है। सर्प तो जिंदा ही रहता है, ऐसे भी नहीं सदैव अमर रहता है, दो तीन खाल बदली कर फिर मर जाएंगे, वहां भी तुम समय पर एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हो, जानते हो अभी हमको गर्भ में जाना है, वहां गर्भ महल होते हैं ना, साक्षात्कार हुआ बस बच्चा जना, तो वहां तो है ही योग बल की बात, है ना, भोग से तो होते नहीं, विकार से तो होते नहीं। तो बाबा कहते हैं वहां तो योग बल की बात है, योग बल से तुम जन्मते हो, इसलिए अमर कहा जाता है। आत्मा कहती है अब हम बूढ़ा हो गए हूँ। अच्छा देखो आप रामायण महाभारत शिव पुराण या किसी भी तरीके से हनुमान जी का या किसी भी प्रकार का आपने जो हाथ का नाटक देखा जो टीवी सिनेमा आदि में, तो उसमें कभी भी ये नहीं दिखाते हैं कि विकार से कृष्ण का जन्म हुआ या विकार से करण आया, है ना। देखो उनको एक कन्या को कुंती को दे देते हैं कि आपका जो पुत्र है करण वो बिना ब्याही माँ को हो जाता है, तो ये सब जो भासना है या जो भी कुछ इस तरह से दिखाया, तो उसके पीछे यथार्थ असल में ये है। देखो फिर जो शिव के लिए
शंकर को आने से मना करती हैं स्नान करते समय पार्वती जी, तो वो अपने मैल से गणपति को रच देती हैं और कहती हैं कि पहरा देना कि माँ नहा रही है तो पिता को अंदर नहीं आने देना, है ना। तो इस तरह से फिर गणपति को दिखाया, ऐसे ही फिर हनुमान को, ऐसे ही कृष्ण को दिखाया, लाइट चमकी, गर्भ में चले गए। तो ये सब जो है ना योग की बातें हैं। फिर उससे ना जाने कितना कितना कुछ लगा के क्या क्या बोल दिया, है ना। फिर विश्वास भी नहीं करते, दिन रात पे विश्वास किया, हिंदी इंग्लिश के कैलेंडर पे किया, 24 घंटे 12 दिन 12 रात 4 उसमें विश्वास किया, है ना, कि सुबह दोपहर शाम रात होती है। लेकिन बाबा जो सत्य कहते वो नहीं, वो भी ड्रामा मैनूद है, तो इसमें किसी का दोष नहीं। बाबा कहते हैं वहां तो आते ही शरीर छूट जाता है, शरीर पुराना हुआ साक्षात्कार हो जाता है, है ना। तो उधर इसीलिए अमर कहा जाता है, क्योंकि अब हम बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर पुराना हुआ साक्षात्कार हो जाता है, अब हम जाकर छोटा बच्चा बनूंगा। आपे ही शरीर छोड़ आत्मा भाग कर चाहे छोटे बच्चे में प्रवेश करती है। उस गर्भ को जेल नहीं महल कहा जाता है, पाप तो कोई होते नहीं है जो भोगना पड़े। गर्भ महल में आराम से रहते हैं, दुख की कोई बात नहीं है, ना कोई ऐसी गंदी चीज खिलाते हैं जिससे बीमार हो जाए। अब बाप कहते हैं बच्चे तुमको निर्वाण धाम में जाना है, यह दुनिया बदलनी है, पुरानी से फिर नई होगी, हर एक चीज बदलनी है। प्रकृति भी जो ये अपना रूप दिखा रही है ना, ये रूप कोई विनाश के लिए नहीं, प्रकृति अखंड है, वो कभी भारत अखंड है ना, वो विनाश नहीं होता, सिर्फ अपना स्वरूप बदलती है, है ना। तो बाबा कहते हैं फिर इसे भी मिथ्या कह दिया, तो पुरानी से फिर नई होगी, हर एक चीज बदलती है। झाड़ से बीज निकलते हैं, फिर से बीज लगाओ तो कितना फल मिलता है, एक बीज से कितने दाने निकलते हैं। सतयुग में एक ही बच्चा पैदा होता है, योग बल से वहां विकार से 4-5 बच्चे पैदा करते हैं कि नहीं। तो सतयुग और कलयुग में बहुत फर्क है, जो बाप बतलाते हैं नई दुनिया फिर पुरानी कैसे होती है, उसमें आत्मा कैसे 84 जन्म लेती है, यह भी समझाया है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाकर फिर जब जाएगी तो अपनी अपनी जगह पर जाकर खड़ी रहेगी, जगह बदलती नहीं है, अपने अपने धर्म में अपनी जगह पर नंबरवार खड़े होंगे, फिर नंबरवार ही नीचे आना है, इसलिए छोटे छोटे मॉडल्स बनाकर रखते हैं। सब धर्मों का अपना अपना सेक्शन है, देवी देवता है पहला धर्म, फिर नंबर वार आते हैं, नंबर वार ही जाकर रहेंगे। तुम भी नंबर वार पास होते हो, उन मार्क्स के हिसाब से जगह लेते हो। यह बाप की पढ़ाई कल्प में एक ही बार होती है, तुम आत्माओं का कितना छोटा सिजरा होगा, जैसे तुम्हारा इतना बड़ा झाड़ है, तुम बच्चों ने दिव्य दृष्टि से देख कर फिर यहाँ बैठ कर चित्र आदि बनाए हैं, है ना। आत्मा कितनी छोटी है, शरीर कितना बड़ा है, सब आत्माएं वहां जाकर बैठेंगी। बहुत थोड़ी जगह में नजदीक में जाकर रहती हैं। मनुष्यों का झाड़ कितना बड़ा है, मनुष्यों को तो जगह चाहिए ना, चलने फिरने खेलने पढ़ने नौकरी करने की सब कुछ करने की जगह चाहिए। निराकारी दुनिया में आत्माओं की छोटी जगह होगी, इसलिए इन चित्रों में भी दिखाया है, बना बनाया नाटक है, शरीर छोड़कर आत्माओं को वहां जाना है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम वहां कैसे रहते हैं और दूसरे धर्म वाले कैसे रहते हैं, फिर कैसे अलग अलग होते हैं नंबर बार, यह सब बातें तुमको कल्प कल्प एक ही बाप आकर सुनाते हैं। बाकी तो सभी हैं जिस्मानी पढ़ाई, उनको रूहानी पढ़ाई नहीं कह सकते हैं। भला आत्मा पढ़ती है, लेकिन रूह का रूहानी ज्ञान किसी के पास है ही नहीं सिवाय परमात्मा के। तो अभी तुम जानते हो हम आत्मा है, आई माना आत्मा, माई माना मेरा यह शरीर है। मनुष्य यह नहीं जानते, उन्हों का तो सदैव दैहिक संबंध रहता है, सतयुग में भी दैहिक संबंध होगा, परंतु वहां तुम आत्मा अभिमानी रहते हो, देह अभिमानी नहीं।
तो यह पता पड़ता है कि हम आत्मा हैं, यह हमारा शरीर अभी पुरुद्ध हुआ है, इसलिए हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, बस इतना देह का भान रहेगा। तो इसमें मूंछने की भी कोई बात नहीं है। तो बच्चों को तो बाप से राजाई लेनी है, जरूर बेहद का बाप है ना। मनुष्य जब तक ज्ञान को पूरा नहीं समझते हैं तब तक अनेक प्रश्न पूछते हैं। ज्ञान है तुम ब्राह्मणों को, तुम ब्राह्मणों का वास्तव में मंदिर भी अजमेर में है। एक होते हैं पुष्करणी ब्राह्मण, दूसरे सार सिद्ध। अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर देखने जाते हैं। ब्रह्मा बैठा है, दाढ़ी आदि दी हुई है ना, बूढ़े हैं तो फिर दाढ़ी दिखा दी है, तो उनको मनुष्य के रूप में दिखाया है। तुम ब्राह्मण भी मनुष्य के रूप में, ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जाता है, सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो, ब्रह्मा की औलाद। वह कोई ब्रह्मा की औलाद नहीं है, पीछे आने वालों को यह मालूम नहीं पड़ता है। बाबा कहते हैं जो सतयुगी है ना, देवी देवता, वो कोई ब्रह्मा की औलाद नहीं है, शिव खुद बना रहे हैं उनको, है ना, शिव की औलाद है। हम सर्वात्मा है, देवी देवताओं की रचता बाप ने रचना रची है नई दुनिया के, है ना, ब्रह्मा के द्वारा। तो वह कोई ब्रह्मा की औलाद नहीं है, पीछे आने वालों को यह मालूम नहीं पड़ता है, फिर उनको आना भी नहीं है ना साथ में। तो तुम्हारा यह विराट रूप है, यह बुद्धि में याद रहना चाहिए, यह सारी नॉलेज है जो तुम कोई को अच्छी रीति समझा सकते हो। हम आत्मा बाप के बच्चे, यह यथार्थ रीति समझकर यह निश्चय पक्का पक्का होना चाहिए, यह तो यथार्थ बात है। सभी आत्माओं का बाप एक परमात्मा है, सभी उनको याद करते हैं, ये भगवान मनुष्यों के मुख से जरूर निकलता है। परमात्मा कौन है यह कोई भी नहीं जानते हैं, जब तक कि बाप आकर समझाए। बाप ने समझाया है, यह लक्ष्मी नारायण जो विश्व के मालिक थे यही नहीं जानते थे, तो ऋषि मुनि फिर कैसे जान सकते। अभी तुमने बाप द्वारा जाना है, तुम हो आस्तिक, क्योंकि तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। कोई अच्छी रीति जानते हैं, कोई कम। बाप सम्मुख आकर पढ़ाते हैं, फिर कोई अच्छी रीति धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं। पढ़ाई बिल्कुल सिंपल भी है, बड़ी भी है। बाप में इतना ज्ञान है जो सागर को स्याही बनाओ तो भी अंत नहीं पाया जा सकता। बाप सहज करके समझाते हैं, बाप को जानना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है बस। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा, सदा याद सहज बनी रहे उसके लिए चलते फिरते यह चिंतन करना कि हम आत्मा है। परम धाम निवासी आत्मा यहाँ पाठ बजाने आई है, बाप भी परम धाम में रहते हैं, वह ब्रह्मातन में आए हैं। दूसरा, जैसे रूहानी बाप से आत्मा का प्यार है, ऐसे आपस में भी रूहानी प्यार से रहना है। आत्मा का आत्मा से प्यार हो, शरीर से नहीं। आत्माभिमानी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करना है। वरदान, हद की कामनाओं से मुक्त रह, सर्व प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। हद की कामनाओं से मुक्त रह, सर्व प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। जो बाबा कहते वही सत्य है, क्वेश्चन मार्क की बात नहीं। तो जो बच्चे हद की कामनाओं से मुक्त रहते हैं उनके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक दिखाई देती है। प्रसन्न चित्त कोई भी बात में प्रश्न चित्त नहीं होते, वो सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेंगे, किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेंगे। जो है, जैसा है, जो हो रहा है, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, किसी भी प्रकार का कुछ आपके जीवन में संघर्ष है, तो वो किसी का दोष नहीं है, बल्कि आपके किए हुए, जब जब जिस जिस के साथ जिस जिस तरह से जैसा किया होगा वैसा वैसा आपके साथ भी वापस होना ही है। सो
नथिंग न्यू और ना ही किसी के द्वारा दिया हुआ है। इसीलिए बाबा ने कहा कि किसी भी प्रकार का प्रसन्न चित्त, कोई भी बात में प्रश्न चित्त नहीं होते, वो सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेंगे, किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेंगे। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुक तो करने वाली सामना करने आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन संतुष्टता के कारण वे सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। समझा बाबा कितना गुहरा आज समझा रहे हैं। स्लोगन, व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो, अलबेले रूप में नहीं। व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो, अलबेले रूप में नहीं। अच्छा, ओम शांति।